नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान टोहाना कस्बे के गांव हंसेवाला के रहने वाले 34 आरआर घातक मिशन के तैनात जवान शहीद का पार्थिव शरीर आज दोपहर करीबन उनके गांव में लाया गया। अपने गांव में शहीद की अंतिम यात्रा में ग्रामीणों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ग्रामीणों के जनसैलाब के साथ साथ घरों की छतों पर महिलाओं ने अंतिम यात्रा के दौरान शहीद जयपाल का पार्थिव शरीर रखी गाड़ी पर फूल बरसा करके उनको नमन किया। अंतिम दर्शन के बाद शहीद की पत्नी पूजा ने कहा कि मुझे अपने पति पर गर्व है, उन्होंने देश के लिए शहादत दी है और मैं अपने बेटों को भी सेना में भेजूंगी। ये कहते हुए शहीद की पत्नी ने अपने पति को आखिरी सैल्यूट भी किया। गांव में के गमगीन माहौल में सेना की टुकड़ी ने शहीद को सलामी दी और टोहाना के पूर्व विधायक एवं भाजपा के अध्यक्ष रहे सुभाष बराला सहित कई गणमान्य लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जयपाल का पार्थिव शरीर फतेहाबाद के गांव हंसेवाला में पहुंचे सेना की टुकड़ी के सूबेदार जगदीश चंद्र ने बताया कि नायक जयपाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला में तैनात थे और अपनी तैनाती के दौरान एक आतंकी गतिविधि को लेकर के सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान जयपाल शहीद हो गए। जयपाल गिल के शहीद होने की खबर जैसे ही बीते दिन गांव में लगी और गांव के आसपास के क्षेत्रों में पहुंची, समूचे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गांव हंसेवाला निवासी करीबन 30 वर्षीय जयपाल गिल 2009 में सेना में भर्ती हुआ था और इन दिनों उनकी पत्नी लांस नायक के तौर पर पोशिया में तैनात थी। वहीं वर्ष 2013 में जयपाल का विवाह हुआ और उनका 5 साल का बेटा भी है। सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान करंट लगने से जयपाल शहीद हो गए। जयपाल का पिता वेद प्रकाश गांव के में ही खेतीबाड़ी का काम करते हैं तथा मां परशो देवी गृहिणी हैं। शहीद को श्रद्धांजलि देने के बाद हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि देश के लिए जान देना गौरव की बात है और जयपाल ने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी है। परिवार को परमात्मा दुख सहने की शक्ति दे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शहीद को दी जाने वाली जो भी मदद होगी, नियमानुसार सरकार की ओर से शहीद जयपाल के परिवार को हर संभव मदद मिलेगी। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। हमें दुख भी है, लेकिन उस पर गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हुए। मैं तो अपने बेटे को भी बड़ा होने के बाद आर्मी में भर्ती करूँगी, सैल्यूट आर्मी को। जब यहाँ मेरी बात शुक्रवार को हुई थी, वो बोल रहे थे नवंबर में छुट्टी आएंगे 10 तारीख के बाद। बार को कॉल आई थी, अटेंड नहीं कर पाई, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई सर। तो अगले महीने आने थे, घर आने की कह रहे थे। हाँ जी, नवंबर में। शहीद जयपाल जो है, शहीद नायक जयपाल, इनका जो है शहीद हुए हैं ये नियामा कुलगांव डिस्ट्रिक्ट और जेंड के। तो कारण क्या रहा है चीज़? मतलब कारण वो उनका मतलब कोई ऑपरेशन मामला था, उसमें ये कारण रहा। देखिए, हमारे लिए एक तरफ जहां बड़े दुख की बात है कि हमारा ये जवान बहुत थोड़ी उम्र में हम सबके बीच से चला गया, लेकिन दूसरी तरफ ये हम सब क्षेत्रवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि इसने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण दिए हैं। ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ के सुरक्षा बलों की जो मुहिम चल रही है, उसी के तहत ऑपरेशन के दौरान इसकी जान गई है। तो मैं समझता हूँ कि जीना तो सब जीवों को, सब व्यक्तियों को होता है, लेकिन जो लोग अपने जीवन को सार्थक करके जाते हैं, जैसे शहीद जयपाल का जीवन देश के लिए गया है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कुर्बानी कोई हो नहीं सकती। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहीद को नमन करता हूँ। देखिए, देश के लिए जान देना बड़ी एक बात होती है और
सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, इसके जो भी नियम हैं उस नियमानुसार इस परिवार की मदद सरकार की तरफ से की जाएगी।